हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? बहुत आज का एपिसोड जरा ध्यान से देखना, इत्मीनान से देखना, क्योंकि गाइस बहुत सारे कलेक्शंस जो है वो रिवाइज हुए हैं एंड गाइस होने ही वाला है आने वाले समय में। जैसे ये फिल्म 25-26 जाएगी, जितने लोग जो नए लोग जुड़े हैं द कश्मीर फाइल्स के साथ इस चैनल पे, उनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में हमेशा होता है। पुष्पा के टाइम भी देखा किस तरह से थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में कलेक्शन जो है मॉडिफाई होते हैं। तो आज का एपिसोड ध्यान से देखना किस तरह से ओवरसीज में जितना हम सोच रहे हैं उससे कई ज्यादा इस फिल्म ने पैसे कमाए। चले गए, आज के एपिसोड शुरू करते हैं। पर फ्रेंड्स, कल रात को ही मैंने सभी लोगों को बताया था ये फिल्म अपने 19th डे पर कहीं ना कहीं 2.5 से लेकर 3 करोड़ कमाई करेगी। 2.5 करोड़ तो डेफिनेटली कमाई करेगी एंड रात के शोज ने अगर थोड़ा बहुत साथ दे दिया देन गाइस 2.5 करोड़ के ऊपर डेफिनेटली कमाई करेगी। एंड गाइस, ऑफिशियल फिगर फॉर द कश्मीर फाइल्स ऑन इट्स 19th डे अ ह्यूज शॉकर। हमको लग रहा था कि ये फिल्म अच्छा खासा गिरेगी फ्रॉम द मंडे, लेकिन गाइस मंडे 3.10 करोड़ कमाने के बाद यहाँ पर ट्यूसडे फिल्म ने 2.75 करोड़ कमाए हैं। यस फ्रेंड्स, इट हैज एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एवरीवन यू नो इन द ट्रेड। ये फिल्म ने 2.75 करोड़ रुपीज कमा कर अपना जो टोटल है इंडिया नेट कलेक्शन का वो 234.03 यानी कि 234.03 करोड़ जो है वहां पर ले चला गया है। एंड गाइज, नाउ द कश्मीर फाइल्स बिकम्स द 15th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड सिनेमा, बीटिंग सलमान खान्स किक 231.85 करोड़। इसका अगला टारगेट रणवीर सिंह एंड रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा होगी 240.31 करोड़, तब जाके 14th नंबर पर आएगा। फिर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 245.36 करोड़, तब जाकर ये नंबर 13 पर आएगा। एंड आई थिंक मंडे आते आते ये वो उपलब्धि जो है वो हासिल करके 12th नंबर की जो फिल्म है यानी के कबीर सिंह 278.24, 11 नंबर पर तानाजी है 279.55, इन सारी फिल्मों को बीट कैसे भी कर देगा। टॉप 10 में आने के लिए से धूम 3 का रिकॉर्ड जो है 284.27 करोड़, उसको तोड़ना होगा। लेट्स सी गाइस, टच एंड गो होगा, लेकिन इसी तरह से कश्मीर फाइल अगर चलते रही एंड डब्ड वर्जन अब और डीले न करते हुए अगर जल्दी लाया गया देन कश्मीर फाइल्स डेफिनेटली इन फिल्मों का जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ देगी। देखिए गाइस, बात करें तो कश्मीर फाइल्स की तो इसका कलेक्शन जो नेट है वो है 234.03 करोड़, इसका ग्रॉस रिवाइज किया गया है एंड ग्रॉस इस फिल्म का है 262.96 करोड़। क्योंकि गाइस कई जगहों पर ये फिल्म टैक्स फ्री है कई स्टेट्स में, लेकिन गाइस स्टेट टैक्स तो मायने रखता ही है, लेकिन जो जीएसटी रहता है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स रहता है उसको भी यहाँ पर अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए गाइस जो रिवाइज ग्रॉस आया है इस फिल्म का वो है 262.96 करोड़। ओके गाइस, तो कल तक इस फिल्म का ग्रॉस जो था वो 275.33 करोड़ था, लेकिन इन सारे यू नो क्राइटेरियाज को मद्देनजर रखते हुए स्टेट टैक्स जो है कई जगहों पर माफ कर दिया गया क्योंकि टैक्स फ्री है, उस स्टेट में टैक्स फ्री है, लेकिन द जीएसटी रिमेन्स यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स जो रिमेन होता है, इसीलिए ट्रेड ने इसका ग्रॉस जो है वापस से रिवाइज किया है। एंड गाइस, अब इसका जो ग्रॉस कलेक्शन है उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए 262.96 करोड़ किया गया है एंड यही परसेंटेज को कैलकुलेट करके इसका ग्रॉस जो है वो आने वाले दिनों में मैं आपको बताते रहूंगा। सो अब 262.96 करोड़ इसका ओवरसीज नहीं इंडिया ग्रॉस है, दिमाग में याद रखिएगा। बात करो ओवरसीज की तो मेकर्स की तरफ से 35.12 आया है, लेकिन गाइस जो ट्रैकिंग है जो ओवरसीज होती है उसने इसकी ओवरसीज को 38.14 करोड़ का कलेक्शन दिया है। सो गाइस, इस फिल्म ने ऑफिशियली 38.14 करोड़ कमाए ओवरसीज में। इसी के साथ द कश्मीर फाइल्स का जो नया वर्ल्ड वाइड टोटल होता है वो है 301.1 करोड़ रुपए। यस फ्रेंड्स, यानी कि ग्रॉस प्रॉपरली कैलकुलेट करने के बाद ऑलमोस्ट 9 से 9.5 इवन कहना सेफ रहेगा 10 करोड़ रुपया घटा दिया गया है इन द वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस। तो आई होप गाइस आज का एपिसोड सभी लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्यू टू स्टेट टैक्स एग्जेम्प्टेड यानी कि जो टैक्स फ्री स्टेटस मिला था इसको फिल्म को वो कैलकुलेट हटा दिया गया है, इसीलिए गाइस 10 करोड़ का कटौती किया गया है इसके ग्रॉस कलेक्शन में। ग्रॉस मीन्स टैक्स एड करके होता है। ओके गाइस, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एंड डिस्पाइट ऑल दैट फिर भी ये फिल्म जो है वो 300 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करने में कामयाब रही है। ओके गाइस, सो अब द न्यू टोटल फॉर द कश्मीर फाइल्स इज 301.1 करोड़ रुपीज एंड यही ग्रॉस के परसेंटेज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, आज ये फिल्म का 20वां दिन है, लेट्स सी ये 20वें दिन अगर 2.5 करोड़ कमाती है देन गाइस कहीं ना कहीं
इसके जो कलेक्शन है 237 एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 2 करोड़ कमा दिया, 239 करोड़ तक इसके जो पहले 3 वीक है वो समाप्त होंगे। लेट्स सी अटैक के बाद ये कैसा बिजनेस करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। ओके गाइस, आई होप आज का एपिसोड सभी लोगों को समझ में आया होगा एग्जैक्टली टैक्स का क्या हिसाब हुआ है। SGST तो माफ है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा टैक्स फ्री स्टेट में फिल्म घोषित कर दी गई है, लेकिन कई जगहों पर, कई स्टेट्स पर ये फिल्म टैक्स फ्री नहीं है, तो वहां पर तो स्टेट टैक्स लगेगा ही। एंड जिन स्टेट्स में ये फिल्म टैक्स फ्री है वहां पे CGST जो है टिकट पे वो तो लगेगा ही। तो उस हिसाब से ट्रेड ने इसका जो ग्रॉस है वो कैलकुलेट किया है, ट्रेड टर्म्स है वो बेहतर जानते हैं। मेरा काम था आप सभी लोगों को बताना कि एग्जैक्टली जो ग्रॉस है उसका अब किस तरह से कैलकुलेशन हो रहा है। ओके गाइस, आज का सभी लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी आपको सुझाव है जो आप कहना चाहते हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।